पसरूर असि आ गए हाँ तो दाएं तरफ पसरूर का है और बाएं तरफ जो नारोवाल सियालकोट नूं रस्ता है असि चौंक आ गए जो मेन पसरूर का चौंक डस्का मोड़ इनू कहिंदे ने और कचहरी भी जिहड़ा ना इत्थे ही है तो इत्थे एक बड़ा मशहूर पसरूर की ना वो अकैडमी है उहदा की नाम है सर जी कायदे आजम एजुकेशन डिवेलपमेंट और यानी पूरे इस डिवीजन वास्ते एक ही अकैडमी है जिसे अक्सर ट्रेनिंग वगैरह होती है वजह शोहरत भी पसरूर की है हुई है तो दूसरा और भी बड़े वजह शोहरत ने लेकिन मजीद शहर की तुम देखो ये अज तू दो साल पहला असं यार के विह से आए थे उदू भी टुटी सड़क सी अज भी उतो ही है डिवेलपमेंट उत्थे ही रुक गई है अल्लाह ताला इन्हों हदायत दे इंतजामिया कम अज कम यही चीज़ा ठीक कर लैन आप जिते असं पहुंच गए हैं नारोवाल बाईपास है एक सड़क जी नारोवाल जाएगी और दूसरी सियालकोट की तरफ जाएगी तो असी चौंके नारोवाल की तरफ ही जाना है क्योंकि असं करतारपुर से सफर से निकले हैं तो उतें जाके करतारपुर भी इंशाला उन्होंने कोई गपशप लावे अपने अमन सिख भराइया ना यह चौंक थोड़ा नजर आ गया नारोवाल चौंक अमन अमन चौंक नाम रखा ना अमन इस वास्ते नारोवाल के पसरूर के लोग है ही बहुत पुरअमन ने देखो ना उन्होंने जनाब अमन दे विच रहंदे होए ही ते मुहब्बत फैलाई है ओए ओए क्यों कह ले अच्छा जी सामने तुहानू बोर्ड नजर आ रहा है किला अहमदाबाद नारोवाल करतारपुर छक्कड़गढ़ क्योंकि असी साडे मंजिल मकसूद जिहड़ी है ओह करतारपुर असी करतारपुर दे सफर ते रवा दवा वा जी इस टाइम असं जा रहे हैं जनाब नारोवाल रोड से इस तो बाद लिंक रोड करतारपुर जो इंटर होवे और करतारपुर जो सा मंजिल मकसूद है वो उत्थे असं जावे लेकिन उस तो पहला असं फिलहाल असी किला अहमदाबाद च गुजर रहे हैं जिसका पुराना नाम किला शोभा सिंह से उस अगला पड़ाव वही है ना असं उतो गुजर के तो फिर नारोवाल और नारोवाल तो बाद इंशाला करतारपुर पहुंचे हवाले नाल पसरूर दे बाद इस शहर दी इस देहात दी इस इलाके दी तारीखी अहमियत बहुत ज्यादा है तो इस तो बाद अगला पड़ाव साडा जिहड़ा ना नारोवाल है जी नाजरीन असी इस वक्त पहुंच गए हैं बिजली घर चौंक च नारोवाल शहर आ गए हैं और चूंकि अज एक छुट्टी भी कॉलेज जो वेखो ना अलर्ट पुलिस वैन भी खड़ी अलर्ट हुई है लिहाजा असी तो किसी भी इंतशारी टोले नूं सपोर्ट नहीं करते होंगे इस वास्ते असी तो जा रहे हैं अपने सफर करतारपुर तो अमन के नाल ही असं गुजर रहे हैं तुहानूं भी नाल इलाका जिहड़ा दिखा रहे हैं इस टाइम असी नारोवाल की धरती तो गुजर रहे हैं मौजूद हैं जी असी जिहड़े साडे नाल जुड़े हुए सन दोस्त अहबाब असी इस टाइम ना अड्डे ते पहुंच गए हैं नारोवाल दे नारोवाल चौंके जनाब बड़ी मशहूर मरूफ हस्ती दा किसे तारफ तो बगैर असी देख रहे हैं कि काफ़ी डिवेलपमेंट जिहड़ा ना उन्हें अपने शहर वास्ते करवाई है और होना भी चाहिए अगर उन्हें शहर तक महदूर रखी है कम अज कम नज़र तो आना चाहिए ना कि किसी बंदे ने जनाब अपने शहर के लोगों को अगर उन्हें वोट दिता है तो उन्होंने उस शहर वास्ते कुछ तरक्याती पैकेज भी लिया है और अच्छी गल है इस तू समझते हैं और दूसरे शर्म करनी चाहिए जो दूसरे एम पी एस एम एन एस ने जिन्होंने अपने इलाके च सिर्फ वोट लै के बाद चो अपना मुँह बहाना भी दोबारा नहीं किया रवा दवा जो अड्डे के उतो असी सफर करते हुए असं पहुंचांगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी मंजिले मकसूद ते नारोवाल दा जनाब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर DHQ और इहदी बिल्डिंग और वसी और रीज रकबा अहाता जिहड़ा है इस चीज़ नूं साबित करदा है कि जनाब इत्थे अच्छियां सहूलियात जी साढ़े नाजरीन सफर जिहड़ा है तुहाडे नाल नाल असीं शुरू कीता है यह छक्कड़गढ़ रोड ते मौजूद हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के सामने असीं गुजर रहे हैं नारोवाल च जनाब
डेवलपमेंट देख के दिन बाग बाग हो रहा है, गार्डन गार्डन हो रहा है, लेकिन अगे रक्षे वाले ने सारा गार्डन जिहड़ा ना गिटे गोडे बन दिते ने। अचानक अगे आ के ना साढ़े भी तौर पर ला दिते ने। अल्लाह ताला इन्हूं हदायत देवे। ते ये यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल वसी और बिल्डिंग और हाथा और खूबसूरत जी बिल्डिंग नजर आती पी जी। जनाब सजनो तो बेलियो तो मित्रो तो सहेलियो, असी जनाब आ गए शकलगढ़। तो सामने बोर्ड लगा है गुरुद्वारा श्री दरबार साहब करतारपुर। ऐसे ही असी आए सा देखन, तो इंशाला चलने उस रोड से। असी गड्डी अपनी लान लगे हाँ कि जाके गुरुद्वारा जिहड़ा ना करतारपुर साहब देख के आईए कि सरकार ने जिथे आखिरी अपना वक्त गुजारिया गुरु नानक सरकार ने। मजीद का बोर्ड लगा गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब करतारपुर चेक पोस्ट है। जनाब गुजर के इलाका समझ लो कि असी इस टाइम जिहड़ा ना इंडिया के बार्डर ते हैं। वो उधरों जी आवाम आँदी वह भी जनाब इधर आँदी अपना, और इधरों पाकिस्तान के लोग भी जो कासम के अब्बा के जमाने रेनोवेशन यदि की गई सी। तो गुरुद्वारा करतार साहब जिहड़ा ना करतारपुर इहदी शोहरत आम हो गई सी। तो इस वजह तो लोग इन वेखन आते हैं कि बनया जनाब इतने। तो बाबा जी गुरु नानक सरकार की आखिरी रामगा है, वो वेखांगे आखिरी रामगा सी है। लो जी जनाब है सामने करतारपुर नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो असी हुण अपनी एंट्री कराने लगे हाँ और चल के देखांगे कि अपने सिख भरावान भी सिख कल्चर भी और किस तरह के साढ़े दूसरे देश के जोड़े ने पड़ोसी साढ़े उन्होंने रहन सहन उन्होंने गपशप भी लाने चल के तो नज़ारा करने हैं। नाले जनाब गुरुद्वारा जोड़ा है करतारपुर उसकी ज़ियारत भी करने हैं। तो आओ फिर मजीद जोड़ा ना अंदर जाके जो कोई गलबात होएगी फिर थोड़े ना शेयर करांगे।